ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पापा जाने वाले हैं एक राइड पे, बट लेकिन यहाँ पे पापा प्रैंक कर रहे हैं भैया पे, सारे कपड़े वगैरह लगा के रखे हैं रात को, बट लेकिन और ये किस समय निकला मुझे नहीं पता, और निकल गया भाई ओके हेलो एवरीबॉडी। सो मैं भैया की बहन हूँ और ये पापा हैं। सो ओके तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पापा पैर वगैरह छू रहे हैं। ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पापा जाने वाले हैं एक राइड पे, बिकॉज आप लोगों ने पापा को बड़ा प्यार दिया था पिछली वीडियो पे, बट लेकिन यहाँ पे पापा प्रैंक कर रहे हैं भैया पे। भैया ने अपने सारे कपड़े वगैरह लगा के रखे थे रात को, बट लेकिन यहाँ पे ये ट्विस्ट आया कि पापा की मेरी स्माइल देखो यार। ओके सो पापा जाने वाले राइड पे, भैया को इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है और वो भी सो रहे हैं अपने कमरे में आराम से। मैं भी थोड़ा धीरे ही बोलूँगी बिकॉज उसे पता ना लग जाए, उसने लॉक कर रखा है शायद। नहीं लॉक नहीं है। सो यहाँ पे भाई पापा ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अभी बस पापा को यहाँ पे ये पैड्स वगैरह पहनने हैं और फिर जैकेट वगैरह डालनी है और फिर पापा का हो जाएगा, मतलब रेडी हो जाएंगे पापा। ओके सॉरी हमें धीरे बोलना है थोड़ा, बट लेकिन वो तो ऊपर है ना तो सुनाई थोड़ी देगा पॉइंट। ओके ऑल्सो अगर हमारी इस समय मेरी आवाज़ वगैरह सही नहीं आ रही होगी, मतलब क्लियर नहीं आ रही होगी, बिकॉज मैंने माइक नहीं लगा रखा है, मैं नॉर्मल अपने फ़ोन से शूट कर रही हूँ। सो काइंडली इग्नोर दैट एंड आई अपोलोजाइज फॉर इट, बट पापा पूरा माइक वगैरह से शूट करेंगे, इसमें वो सब कुछ फिट वगैरह करके रखता है, सो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट पापा? ओके बाय। ओके बाय। ओके चलो अब हम मिलते हैं बाहर जाके। जैसे कि आप देख सकते हो पापा जल्दी जल्दी अपना सारा सामान ला रहे हैं, रेडी हो रहे हैं और सारा बैग वगैरह सब रेडी है यहाँ पे। अब बस पापा जल्दी से जैकेट डालेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो। राइट राइट। तो भाई यहाँ से फिर राइड अपनी स्टार्ट करते हैं। मैं निकल आया हूँ घर से थोड़ा सा आगे, कोल्ड स्टार्ट भी जल्दी जल्दी कर लिया था ताकि उसको सुनाई ना दे। तो भाई अब हम आ चुके हैं मेन सदर रोड पे, यहाँ से अपना ब्लॉग जो है रिकंटिन्यू करते हैं। भीड़ भाड़ का एरिया मैंने इसने दिखाया, वहाँ पे बिल्कुल कुछ था नहीं आसाने के लिए ना। मेन रोड पे आ चुका हूँ तो अब दिखाते हैं। और जैसा कि शशांक हर बार बोलता है कि पहले जो है अपनी गरुड़ का पेट भर देना चाहिए, तो देखते हैं कोई फ्यूल स्टेशन, वैसे तो यहाँ पे आसपास है फ्यूल स्टेशन होता है तो वहाँ पे फ्यूल भरवा लेते हैं इसके अंदर भाई। लेकिन इस गाड़ी को चलाने का मजा वाकई में अलग ही आता है। लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप बिल्कुल सेफ चलें, धीरे चलें, सुरक्षित चलें। हाँ आ चुका है फ्यूल स्टेशन। हाँ यहाँ पे देखते हैं तेल डलवा के। तो भाई फ्यूल अब अपना हो चुका है और अब हम राइड को करते हैं कंटिन्यू। दिक्कत ये हो रही थी यार मेरे को ना, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था ग्लव्स से, क्योंकि थोड़े से ग्लव्स टाइट लग रहे थे मेरे को, इसलिए मैंने ग्लव्स उतार दिए। मैं अपने लिए दूसरे ग्लव्स लेके आऊँगा। तो भाई अब लीजिए फील नहीं राइड का। आज भाई मेरे को दुख तो लग रहा है, मैंने शशांक के साथ प्रैंक करा है, लेकिन एक बार इसने भी मेरे साथ प्रैंक करा था ऐसे ही।
मैंने नई नई बुलेट ली है, मैं रात को जो है साफ सूफ करके बिल्कुल चकाचक है सोया कि सुबह उठ के मेरे को राइड पे जाना है अपने दोस्तों के साथ। और ये किस समय निकला मुझे ही नहीं पता, इसने फटाफट जो है अपने आप को बुलेट बाहर निकाली, मुझे आवाज़ भी नहीं आन दी और निकल लिए भाई है। और तब आए कम से कम 2 घंटे बाद, फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने कहा ठीक है आज वही सेम जो है मेरे को मौका मिला, अब बोलेगा बदला ले लिया आपने मेरे से, तो इसको बदला थोड़ी बोलते हैं भाई, टिट फॉर टैट बापू। तो भाई मैं शशांक की तरह लंबी लंबी राइड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है सुबह के टाइम आया, एक मॉर्निंग राइड का मन था तो चलो हम भी चलते हैं एक बार मॉर्निंग राइड को। तो जहाँ भीड़ भाड़ हो, थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया हो, वहाँ पर अपना सेफ साइड चलना चाहिए। तो ये देखिए रिएक्शन, तो ये हमारी है सहधारा, हमारे गढ़वाल की जान। मुझे कह रहा था कल गाड़ी बड़ी साफ करिए, पूरी गाड़ी गंदी मत कर देना। मैंने कहा बेटे मैं कौन सी तेरी गाड़ी लेके जाता हूँ, बस तभी दिमाग क्लिक कर गया मेरा। ओहो मैंने कहा इसने आइडिया दे दिया, सुबह ही राइड में निकल लो। Meanwhile ये रोड काफ़ी, पहले तो हमारा जो सैदर रोड था बहुत खाली रहता था, अब ये ऐसा हो गया कि बस भयंकर भीड़ भाड़ जय माता दी। मैं सोच रहा हूँ कि भैया के रूम में मैं कैमरा फिट कर दूँ, अपना फ़ोन ही लगा दूँ यार, सो दैट इसके रिएक्शन कैप्चर हो जाए जब ये उठे। सो यार यहाँ पे देख लो ये भी कैसे सो रहा है, स्लीप्स लाइक अ बेबी। सो जा एनी हाउ अब मैं यार यहाँ पे, यार इतना तो मैस बना हुआ है, बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए कोई कैमरे की पोजीशन देखना, बट ओके मैं कैमरा लगाती हूँ एंड आई विल सी यू आफ्टर दैट। ए फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ करा नोटिस? ओह माय माय संस्कारी ब्रदर, मैं तो बना ही नहीं रहा वीडियो। ये देखो इसको थोड़ा जुकाम लग गया है, इसने अब तक नोटिस ही नहीं करा, पता नहीं क्या इसका सर। अरे राइट पे नहीं गए? मुझे गाड़ी की आवाज आ रही थी, कौन लेके गाड़ी? गाड़ी की आवाज? हाँ गाड़ी कहाँ है, जाओ बाहर से देख के आओ, मुझे तो लगा कि तू चला गया। बेटी से मत मांगो गाड़ी का। अरे यार मम्मी मेरे राइड पे जाना था। पापा तो लेके चली गए गाड़ी पे, पापा को राइड पे जाने का ये नुकसान। अबे हटा दे, मैं डालूंगा ही नहीं, हटा दे ना, रख क्यों
हटा दे, क्यों हटा दे? मतलब रियलाइज ही नहीं कर रहा है बंदा कि मेरे राइडिंग गियर्स नहीं है। देख लिया मैंने। हाँ तो भाई मैं क्या बोलूँ, आप सबको पता ही है पापा लेके चले गए गाड़ी और मैंने सुबह जाना था आज राइड पे, बोले तो ब्लॉग बनाने। अगर मुझे पहले से पता होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी यार, बट मैंने ना वीडियो बनाने जाना था और पता रास्ते में मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं, ये तो बताऊंगा मैं। मैं पता है ना इस डिश की कारस्तानी है सारी की सारी। पापा ने हमें बोला कि हमें पापा का साथ देना है तो हम लोग ऐसे चलो पापा। चलो कोई बात नहीं, मैं सोचा था बुलेट लेके चलते हैं बट यार ब्लॉगिंग सेटअप तो है नहीं मेरे पास और ऐसे खामा खा जाके फायदा भी नहीं। दोस्तों को कॉल करता हूँ, बोलता हूँ भाई शाम को मिलूंगा। मारना नहीं है, मेरा कुछ नहीं था, मेरा कुछ नहीं था, मेरा कुछ मेरे को क्या देख रहे हैं। ओके गाइस बाय, फिर सी के बाद में। चलो भाई अब हम क्या करें। भाई पता है मेरे साथ इतना गंदा स्कैम हुआ है ना, मैंने कल रात को इतना मस्त गाड़ी चमकाई है कि भाई राइड पे जाने हैं और भी बाइक्स आ रही है, मज़ा आएगा। और भाई पापा गाड़ी ले गए। चलो कोई नहीं, बुलेट लेके जाओ क्या, पेट्रोल कम है यार इसमें और मेरे पास अभी कोई ऐसा साधन भी नहीं है कि मैं इसमें कहीं से पेट्रोल डाल लूँ। स्कूटर का निकाल नहीं सकता क्योंकि पंगा हो जाएगा। निकलता नहीं मेरे से सारा पेट्रोल मुँह में चल जाता है, जुकाम पहले लगा हुआ है। कोई नहीं पापा का वेट करते हैं, देखते हैं कब आते हैं पापा। फिलहाल अभी 8:30 बज रहे हैं शायद, चलो वेट करते हैं पापा का, देखते हैं पापा कैसी ब्लॉगिंग करेंगे आज। चलो है ना, बड़ी जल्दी रास्ता ख़त्म आ गया यार, ये तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। हम मेरे पापा होते ना और मैंने ये हरकत करी होती पता क्या था, पहले तो घर जाती निकलती चप्पल, अच्छे चप्पल थे चप्पल थे चप्पल, साले तू मेरे पोते की गाड़ी ले गया। अब तो मेरी मम्मी मेरे पे गुस्सा खाएगी, तू क्यों ले गया गाड़ी, तेरे को किसने कहा था गाड़ी ले जाने को। तो भाई ये पहुंच गए हम अपने आप घर, हम देखते हैं शशांक का रिएक्शन क्या होता है, अगर वो अभी नहीं आता है इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे बंद। लग जा भाई ऐसे लग गया स्टैंड। ये देखो भाई आ गए पापा, ये देखो भाई पापा कैमरे में घो रखे। बिना बताए बिना बताए मैंने राइड पे जाना था, मैंने आपको बताया भी था रात को, पहले तो राइड पे जाना था। अरे तो मेरे को बोलते तो सही। अरे तब नहीं जब तू मेरी बुलेट लेके गया था। उस चीज का बदला है। हाँ क्या, मैंने भी तो राइड पे जाना था। कोई नहीं अभी मैं जाता हूँ। ठीक है ठीक है। चलो भाई मजा आया बहुत। चलो भाई देखते पापा ने अब क्या शूट करा होगा, मज़ा आएगा देखने में। भाई मुझे पता चल गया पापा ने ना अपना बुलेट का वो निकाला है, जब पापा मैं छोटा था ना, मतलब ज़्यादा भी छोटा नहीं ठीक ठाक छोटा था, उस टाइम पापा ने जाना था बुलेट से राइड पे और मैं बुलेट लेके चल गया था, अब समझ में आया मैंने इसलिए ले गए थे पापा गाड़ी। आई गॉट इट मेरी गलती है। चलो देखते पापा ने क्या कुछ शूट करा है और दिखाते हैं आप लोगों को, वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक है ना। और आज की वीडियो की एंडिंग भी पापा ने करी होगी तो पापा की स्टाइल में रहने देते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में। Damn.